जनता ने बिल्कुल मन मना रखा था कि झाड़ू उनमें फेरनी फेरनी है। जो 15 साल में काम नहीं हुआ वो आने वाले 1 साल में हम करके दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल की ईमानदार और देशभक्ति की नीतियों ने उखाड़ फेंका। एक ही नारा दिया था, चुपचाप झाड़ू छाप। सबसे पहले हमारा मुद्दा सफाई को लेके होगा। इन्होंने मुझे गालियां दी, जनता ने मुझे वोट किया। दिखा दिया कि जनता बहुत बड़ी ताकत है। सबसे कम उम्र की पार्षद जुड़ रही हैं, अपनी जीत को किस तरीके से देखती हैं? मैं अपनी जीत को अपने वार्ड के लोगों की जीत के रूप में देखती हूँ। मुझे रोहतास नगर वार्ड की जनता ने अपने दिल में जगा दी, अपने क्षेत्र के लिए सेवा करने का मौका दिया, उसके लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबने मुझे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया, उसके लिए भी धन्यवाद देती हूँ। और आने वाले 5 साल मुझे अपने वार्ड की जनता के लिए, अपने वार्ड के परिवार के लिए, सारे परिवारों के लिए बहुत मेहनत करनी है और बहुत अच्छा काम करना है और उन सबके दिलों में कायम रहना है। इतनी कम उम्र में आपने भाजपा जैसी जो नेशनल पार्टी है उसको टक्कर देकर हराया है, क्या कहना चाहिए? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि इस बार जनता परिवर्तन के लिए जिस तरीके से तैयार थी, उन्होंने अपना वोट देकर, अपना मत देकर जनता ने एक आम आदमी पार्टी पर विश्वास दिखाया है। उन्होंने वो सिद्ध किया कि एमसीडी में भी केजरीवाल जी की सरकार और केजरीवाल जी का पार्षद। अब केजरीवाल जी का पार्षद आ गया तो क्या फंड की कोई दिक्कत नहीं होगी? जी नहीं, बिल्कुल अच्छी तरीके से सुचारू रूप से सारे कार्य किए जाएंगे। एमसीडी में जितना भी लेंटर माफिया है, जितना भी कूड़ा कचरा है, सब अच्छे तरीके से साफ किया जाएगा। किस आधार पर आप अपने क्षेत्र का विकास करें? सबसे पहला आधार जो रहेगा वो हमारा रहेगा स्वास्थ्य, साफ सफाई, दिल्ली नगर निगम के स्कूलों की हालत और मेन जो है वो है लेंटर माफिया। बिकॉज हमारे क्षेत्र में रोहतास नगर में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रॉब्लम है वो है लेंटर माफिया, तो सबसे पहले उसी का सफाया किया जाएगा। इतनी कम उम्र में आप पार्षद बन गई हैं तो बहुत सारी चुनौतियाँ आपके सामने हैं इस बार। जी, चुनौतियाँ तो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है और चुनौतियों से लड़ लड़कर ही हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे भी पहुँचेंगे, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। क्या लग रहा है इस बार जो जनता ने भरोसा जताया है उस पर खरी उतर कर कितना विकास आपके रोहतास नगर का? जी, जिस तरीके से जनता ने मुझ पर विश्वास दिखाया है, मैं अपना 1000% देकर जनता की सेवा करने में अपना पूरा समर्पण करूँगी, अपना पूरी अच्छे तरीके से अब कार्य करने का समर्पण करूंगी और बाकी जनता के साथ और जनता के साथ मिलकर विकास करना है मुझे। जीत का श्रेय किसे? जीत का श्रेय हमारी सबसे पहले तो केजरीवाल जी को, उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं रोहतास नगर वार्ड से कंटेस्ट कर पाई। दूसरा हमारी विधायक जी श्रीमती सरिता सिंह जी, और उसके बाद मेरे रोहतास नगर वार्ड की सबसे सर्वश्रेष्ठ जनता, उन्होंने मुझे अपनाया, अपनी बेटी के रूप में जनताया और मुझे विजय बनाया, और मेरा परिवार, मेरे चाचा, मेरी मम्मी, मेरे पापा सबका आशीर्वाद रहा, तो मैं इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दिल्ली को सबसे ज़्यादा क्राइम के तौर पर देखा जाता है, जहाँ महिला सुरक्षा की बात कही जाती है, उसको किस तरीके से अपने वार्ड में कायम? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगर हमारे देश में महिला सुरक्षित रहेंगी तो हमारे देश का गौरव बना रहेगा। सो मैं अपने क्षेत्र में यह पूरा 1000% ये सुनिश्चित करूंगी कि हमारे देश की हर एक बेटी, हमारे वार्ड की हर एक बेटी, हमारे देश वार्ड का की हर एक महिला वो अच्छी तरह से रहे, सुरक्षित रहे और आगे बढ़े। सुरक्षित रहे लेकिन आगे भी बढ़े, मेरा ये मोटिव भी रहेगा कि अगर एक बेटी आगे आई है तो हर वार्ड से ऐसी बेटियां, ऐसी महिलाएं आगे आके बहुत अच्छा काम करेंगी। अच्छा, अब पार्षद की जिम्मेदारी है तो साथ ही साथ पढ़ाई, UPSC की तैयारी कैसी चली? जी, संतुलन, बैलेंस, मैंने बचपन से ही बैलेंस किया है और हर चीज़ में बैलेंस करती आई हूँ, तो मैं आई नो माई कैपेबिलिटीज़, मुझे अच्छे से अपनी कैपेबिलिटीज़ के बारे में पता है, टाइम मैनेजमेंट पता है, तो वो मैं कर लूँगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम दनियो 15 के साथ जुड़ने के लिए। तो ये हमारे साथ आम आदमी पार्टी से सबसे कम उम्र की पार्षद जुड़ी हुई थी, जो कि रोहतास नगर वार्ड से विजयी हुई हैं। आपकी झाड़ू ने भाजपा की सत्ता पर सफाई कर दी है, क्या कहना चाहेंगे? ये जनता ने मन मना रखा था, ये 6 महीने से इलेक्शन टाल रहे थे, ये 6 महीने पहले भी कराते, 6 महीने बाद कराते, 6 साल बाद भी कराते। जनता ने बिल्कुल मन मना रखा था कि झाड़ू उनमें फेरनी फेरनी है, क्योंकि इन्होंने 15 साल में कुछ भी काम नहीं करा। वक्त अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी यहाँ पहुँच चुके हैं, बधाई देने के लिए पहुँचे हैं, तो क्या लग रहा है इस बार किस तरीके से काम की जाएगी MCD में?
जो हम कह रहे थे पहले तो सबसे पहले दिल्ली में थे कूड़े का पहाड़ हम हटाएंगे, और जो ये लैंडर माफिया था और जो इन्होंने हर जगह गली गली के बाहर कूड़ा कर रखा था, जो बीजेपी आज तक कभी साफ नहीं कर पाई वो आम आदमी पार्टी साफ करेगी। गौतम गंभीर अभी भी कह रहे हैं कूड़े के पहाड़ को सफाई हम ही करके दिखाएंगे, भाजपा के कह रहे हैं। नहीं नहीं वो तो 15 साल से कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हम करके दिखाएंगे इस बार। कहा जा रहा था कि जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे थे जितनी सीटों के साथ भाजपा जीतती नजर आ रही थी उससे ज्यादा सीटें पाई हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा अपनी खुशी जाहिर कर रही है। नहीं वो हमारी सरकार बन रही थी उसमें हमें मालूम था सरकार बन रही है और सरकार हम बना रहे हैं। भाजपा तो अभी भी कह रही थी कुछ समय पहले तक कि 126 सीट से ज्यादा हमारी सीट बनेगी और हमारा मेयर बनेगा। नहीं 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 भाजपा से कहने से क्या होता है, जनता ने उनको जवाब दे दिया है और सरकार हमारी बन रही है और हम अच्छा काम करेंगे। लग रहा है किन कारणों से भाजपा को सत्ता से हटाया गया और आम आदमी पार्टी को लाया गया? उनके कर्मों से हटाया गया, जो आज तक वो 15 साल में जो है काम नहीं कर पा पाए उसके वजह से उनको हटाया गया। जीत के बाद बहुत ही अच्छा और खुशी का माहौल है, सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, और 15 साल में जो MCD ने काम नहीं करा है, बीजेपी ने नहीं करा है, वो काम हमारी आम आदमी पार्टी जैसे पहले दिल्ली सरकार में अच्छा मॉडल लेके आई थी वैसे ही 10 गारंटियां जो आम आदमी पार्टी ने दी हैं वो 10 गारंटियों पे काम करेगी, इस बात का वादा है। जो 15 साल में काम नहीं हुआ वो आने वाले 1 साल में हम करके दिखाएंगे। मैं दिल्ली की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार में डूबी हुई भारतीय जनता पार्टी को आज हमारे पार्षदों ने उखाड़ फेंका, हमारी सरकार ने अरविंद केजरीवाल की ईमानदार और देशभक्ति नीतियों ने उखाड़ फेंका। के निर्देश केजरीवाल ने दिए हैं सभी पार्षदों को, तो क्या लगता है किस तरीके से काम किया जाएगा? बिल्कुल ईमानदारी और भ्रष्टाचार रहित हम सरकार देंगे, दिल्ली को कूड़ा संस्कृति से मुक्त कराएंगे, पार्किंग की व्यवस्था, जो भी हमने 10 वायदे किए हैं उन वायदों के हिसाब से हम काम करेंगे। जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया था जनता उन्हीं से प्रभावित होकर वोट डाली? जनता 2013 से देख रही है कि क्या क्या काम किए हमने, शिक्षा में काम किए हमने, अस्पतालों में हर आम खास आदमी को इलाज दिया हमने, महिलाओं को सिर्फ बसों में सफर फ्री नहीं दिया, उनकी डिग्निटी बढ़ाई। जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया है अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया इस वजह से जीत हासिल हुई। हाँ उन मुद्दों की वजह से जीत हासिल हुए। मैम जीत के बाद क्या कहना चाहेंगे? मैं 70 बाजार से जीती हूँ, वार्ड नंबर 72 से जी। मैं सबसे पहले केजरीवाल जी का, विधायक सोमदी जी का धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। हमने वहाँ से भाजपा का शासन खत्म किया है, कुछ शासन 15 साल से वहाँ भाजपा की सरकार रही है और वहाँ की हालत इतनी खराब है, बस से बदतर है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि केजरीवाल जी के साथ और सहयोग से, विधायक जी के सहयोग से हम सदर में काम करके दिखाएंगे। जो अभी तक भाजपा की सरकार 15 साल रहने के बावजूद नहीं हुआ, अब वो काम केजरीवाल जी की सरकार आने के बाद होगा। किन मुद्दों पर अब आगे की कार्यवाही होगी, किस तरह के से काम करेंगी आगे? वहाँ पे काम बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है काम की, साफ सफाई को लेके है, गलियों की हालत ख़राब है, टूटी फूटी गलियां हैं, जालियां हैं, ना जाने कितने ही काम है। हाँ। समय लगेगा पर हम जल्द से जल्द काम को करेंगे। भाजपा लगातार कह रही है कि हमने काम करके दिखाया है। अब मैं आपसे ही पूछना चाहूँगी, कभी आप सदर गए हैं? आपने देखा है वहाँ काम हुआ है? भाजपा कह रही है, क्या वो सही कह रही है? जनता जानती है, जनता जाती है, वहाँ एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, दुनिया जाती है शॉपिंग करने। एक बार जाने के बाद कोई दूसरी बार जाना पसंद नहीं करेगा, वहाँ इतनी गंदगी है। सबसे पहले हमारा मुद्दा सफाई को लेके होगा और जैसे जैसे बजट मिलता जाएगा सब काम बेहतर से बेहतर करेंगे हम। अंतिम क्षणों तक ये कहा गया था कि भाजपा अपना मेयर बनाने जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? भाजपा कह रही थी ना, ऐसा तो नहीं था, जुमलेबाजी की सरकार है और ये काम केजरीवाल जी की बदौलत हो पाया है। जैसे हमारे CM साहब दिल्ली में काम कर रहे हैं ऐसे ही MCD में भी काम बेहतर से बेहतर होंगे। जीत का श्रेय किसे देंगी? सभी है, परिवार है, कार्यकर्ता है, और मैंने बताया धन्यवाद मैं केजरीवाल जी का, विधायक जी का दूंगा। सबसे पहले धन्यवाद उनका है कि उन्होंने टिकट दिया, मुझे इस योग्य समझा। जनता से क्या कहना चाहेंगी, किस तरीके से जैसे प्रेम दिया है उन्होंने आपको, वोट से पहले आपने अपील की होगी कि आपको वोट डालें, तो इस वक्त जीत के बाद क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता का धन्यवाद, दिल की गहराइयों से हाथ जोड़कर धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने जो मेरे पर विश्वास किया है, मैं उस विश्वास पे खरी उतर के दिखाऊंगी, काम करके दिखाऊंगी। उषा शर्मा। अच्छा छोटे अरविंद केजरीवाल हमें दिखाई दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जीत के बाद? देखो आज बड़ा खुशी का दिन है, बहुत खुशी का दिन है। 15 साल में आम आदमी पार्टी आई है निगम में और भाजपा का शासन यहाँ से चला गया और लोगों ने मन बना लिया था कि केजरीवाल को लाना है। इन्होंने खूब कोशिश की चुनाव को लेट करने की, वार्ड कम करने की, पर लोगों ने कहा कि हमें कूड़ा मुक्त दिल्ली चाहिए, हमें निगम के स्कूल अच्छे चाहिए, हमें निगम के अस्पताल अच्छे चाहिए, तो इसलिए
सब लोगों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को वोट दो, और बड़ी भारी बहुमत से अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली में निगम में लाए हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा था वो करके दिखाया है, और जिस तरह से गारंटी अरविंद केजरीवाल जी देते हैं उसको पूरी करते हैं, चाहे वो बिल्कुल उन्हें शिद्दत से निभाते हैं, जो वादे करते हैं वो तो निभाते ही हैं, और एक्स्ट्रा जितना भी होता है उनसे करते हैं, और महिलाएं बड़ी खुश हैं, पेरेंट्स बड़े खुश हैं, तो अब चाहते हैं कि निगम के स्कूल अच्छे हो जाएं, अस्पताल अच्छे हो जाएं, दिल्ली कूड़ा मुक्त हो जाएं, तीन तीन पहाड़ ये कूड़े के ख़त्म हो जाएं, तो इस तरह से बहुत खुशी की लहर है। हमारा तो पूरा परिवार आम आदमी पार्टी में समर्पित है, और पूरा 10 साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे भी चाहते थे केजरीवाल जी से मिलें, तो इनकी जो मदर हैं उनका आइडिया था, उनकी बुआ जी हैं उनका आइडिया था कि इन्हें केजरीवाल जी के गेटअप में लिया जाए और उन्हें केजरीवाल से मुलाकात हो, तो केजरीवाल जी ने उन्होंने हाय किया इस बच्ची को, हमें बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई, और इस खुशी में शामिल करने के लिए हम लोग आए, हमारा पूरा परिवार आया, हमारे मित्र आए, सब लोग यहाँ पर आए, मनाई जा रही है यहाँ पर। लेकिन लगातार भाजपा आरोप लगाती आई है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर, उसके बावजूद आप लोग जीत हासिल करके गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी नेगेटिव पॉलिटिक्स करती है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलती है, गाली गलौज करती है, और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी पॉजिटिव पॉलिटिक्स करती है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने आज मंच से यही कहा कि इन्होंने मुझे गालियाँ दी, जनता ने मुझे वोट किया, तो हम अब सबके लिए काम करेंगे, मिलके काम करेंगे, 2 करोड़ निवासी दिल्ली के मिलकर के इस दिल्ली को अच्छा करेंगे। आम आदमी पार्टी की इतनी जीत हुई है, खुशियां मनाई जा रही है, क्या कहना? यही कहना चाहूँगी कि अरविंद केजरीवाल जी की सोच की हमारे मालवीय नगर वार्ड में श्री सोमनाथ भारती जी की काम की, और जनता की जीत हुई है। भाजपा लगातार कोशिश करती रही कि आम आदमी पार्टी ना जीते, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लगे, वीडियोस वायरल हुए, क्या कहना चाहिए? मैं यही कहूंगी ये तो जनता की मर्जी थी जी, वो जनता ने वोट डाल के अपना मत दिखा दिया। किस तरह की से काम किया जाएगा अब आगे, पार्षदों को निर्देश दिए गए हैं अरविंद केजरीवाल द्वारा, तो बिल्कुल काम करेंगे और जितने भी जनता की परेशानी है उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? जीत मिली है जी, बहुत खुशी हो रही है सबको, आप देख रहे हो जनता के बीच में कितनी खुशी है, खुशी की लहर दौड़ रही है, और आम आदमी पार्टी काम पहले भी करती थी, आगे भी काम करती थी, अपने काम के दम पे जीत के आई है। सर, अपनी जीत के बाद क्या कहना चाहेंगे? जीत का हम इतना ही कहना चाहेंगे, जैसे आम आदमी पार्टी ने श्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लिए काम किया, उसी प्रकार हम MCD में आने के बाद ही अपने सारे 10 के 10 वादे पूरा करेंगे और MCD को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। कौन से काम ऐसे हैं जो भाजपा नहीं कर पाई और आप करने जा रहे हैं? भाजपा ने कोई काम किया ही नहीं MCD में, पिछले 15 साल से गंदगी फैलाई है, सड़कों का बुरा हाल है, पार्कों का बुरा हाल है, और MCD के अंदर इतना भ्रष्टाचार किया हुआ है। हम सारे मुद्दों पर काम करेंगे, जाएगा, इस बार बदलाव देखा गया है, जनता ने भरोसा जताया है, तो अरविंद केजरीवाल ने इसे जीत नहीं जिम्मेदारी बताया है, तो किस तरीके से जिम्मेदारी निभाएंगे? बिल्कुल सही बोला अरविंद जी ने, ये जीत नहीं जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी को पूरे ईमानदारी से निभाएंगे। लगातार भाजपा और लगातार बोलती रही है कि उनका मेयर बनने जा रहा है, ऐसे में आपकी जीत हो गई? देखिए, यहाँ पर पार्टी डिसाइड नहीं करती, मेरे हिसाब से जनता डिसाइड करती है, और जनता ने डिसाइड कर लिया था आम आदमी पार्टी को जिताना था, अब ये आम आदमी पार्टी डिसाइड करेगी कि मेयर कौन बनेगा। आप सरकार ने भाजपा की सत्ता पर झाड़ू चलाई है, क्या कहना चाहिए? ये बहुत दिनों से पब्लिक इसका इंतजार कर रही थी कि झाड़ू चलेगा, हम लोगों ने इस बार एक ही नारा दिया था, चुपचाप झाड़ू छाप, क्योंकि पब्लिक जो है 15 साल से BJP के शासन से, ये एंटी इनकम्बेंसी का ये साइन है कि पब्लिक अब उकता चुकी थी BJP के खोखलों वादों से और झूठों वादों से, पब्लिक परेशान थी, BJP यहाँ दिल्ली की जनता परेशान थी, MCD में कोई भी अगर आप काम कराने जाते तो लेंटर बनाने जाओ तो उसका आप मतलब कि उगाही से परेशान थी, उगाही की जनता से मुक्ति हुई, अब आम आदमी केजरीवाल की जो सरकार आई है इससे जनता ने काफ़ी उम्मीदों से इस सरकार को वोट दिया है और दिखा दिया है कि जनता बहुत बड़ी ताकत है, घमंड में नहीं रहना है। BJP को बहुत अहंकार था कि हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनके बल पर मैं हर चुनाव जीत जाऊंगा, जनता ने दिखा दिया कि मोदी बड़ा नहीं है, देश की जनता बड़ी है। किन मुद्दों पर आगे काम किया जाएगा, कौन सी रणनीतियाँ तैयार की जाएंगी जिसके द्वारा जो काम भाजपा नहीं कर पाई वो आप कर पाएंगे? देखिए, पब्लिक ने काफ़ी विश्वासों और उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी को वोट दिया है,
तो मेन मुद्दा क्या है, सफाई का मुद्दा। एमसीडी का मेन काम है सफाई का मुद्दा। तो दिल्ली को इंटरनेशनल सिटी बनाने के लिए हमारे अरविंद केजरीवाल जी पूरा लगाएंगे, क्योंकि अभी तक जो सरकारें थी वो हमेशा इल्ज़ाम लगाती थी कि दिल्ली सरकार पैसा नहीं देती है, जबकि फंड रिलीज होता था, लेकिन वो फंड कहाँ चल जाता था, इनके नेताओं के घर में चला जाता था। अब ये फंड जनता के विकास पर काम होगा, स्कूल ठीक किए जाएंगे, एमसीडी के स्कूल, एमसीडी के अस्पताल, और अभी अभी एक कर्मचारी ने एमसीडी का ये एलिगेशन लगाया कि 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिला। अब बताइए, देश की जनता भूखी है और यहाँ पर लोग मोदी मोदी का नजर लगा रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा था कि भ्रष्टाचार की सरकार थी, तो कहीं ना कहीं उसे हटाकर इस बार आप लोग ढंग से काम करेंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर से इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पर किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि इस बार दिल्ली एमसीडी में भाजपा को सत्ता से हटाकर आम आदमी पार्टी ने अब दिल्ली एमसीडी में कब्जा पा लिया है। ऐसे में देखिए जश्न कितनी तरीके से मनाया जा रहा है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, सजावट की गई है, सभी समर्थकों के मुंह पर उत्साह दिखाई दे रहा है, और सभी पार्षद कैंडिडेट जो जीते हैं उनमें अलग ही खुशी उत्साह दिखाई दे रही है, क्योंकि वो अब दिल्ली एमसीडी में काम करने के लिए तैयार है। केजरीवाल जी ने उन्हें पूरी तरीके से तैयार कर दिया है, निर्देश दे दिए हैं और कहा है कि इस बार दिल्ली एमसीडी में भ्रष्टाचार की सरकार नहीं होगी, इस बार केजरीवाल की सरकार होगी। धन्यवाद 15 के लिए, मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन प्रताप के साथ, शुक्रिया।